देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और पार्टियां अपनी अपनी राजनीतियां सेट करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में अलग है। चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा चुका है और ऐसे में नेता डिजिटल माध्यमों से प्रचार कर रहे हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने कड़ाके की सर्दी में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। कहते हैं सियासत की राह आसान नहीं होती और इन्हीं तमाम मुद्दों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जुड़ रहे हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, राजनीतिक सफर में किस तरह से क्या मुश्किलें आई, कितनी अटकलें रहीं, इन सभी के बारे में तमाम चीजें हम जानेंगे। बहुत स्वागत है सुरेश राणा जी आपका जनतंत्र टीवी पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन ये जो फेर बदल है, दल बदल है, ये एकदम से शुरू हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लिए कमजोरी साबित हो क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, इसको लेकर आपसे जवाब। नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो छवि है और देश का पूरी दुनिया में जो उन्होंने परचम लहराया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश बहुत गति के साथ आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से शानदार काम किया है और 5 साल में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन उन्होंने पूरी तरह बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश देश के विभिन्न आयामों में पहले स्थान पर है, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत उत्साहित है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मतदान करने के लिए पूरी तरह इंतजार में है और मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी लिखने जा रही है और पहले से बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। सुरेश जी, लगातार आप दूसरी बार विधायक बने, योगी सरकार में गन्ना मंत्री हैं, अब ऐसे में अगर हम विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बात करते हैं और इस बार के आने वाले परिणामों की बात करते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष यही कह रहा कि इतिहास कभी भी नहीं दोहराते हैं, उत्तर प्रदेश के जो चुनावों का सिलसिला है उसमें सत्ता पलट जरूर होता है और इस बार भी सपा की तरफ से कई बार हमने ऐसे बयान सुने, अखिलेश यादव खुद कहते हुए नजर आए, उनके इन बयानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कोमल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास पलटना या न पलटना उसकी बातें वो लोग करते हैं जिन्हें अपने पुरुष पर यकीन नहीं होता, जो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े नहीं होते। लोग कहते थे जो मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार नोएडा का नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं है जिसका दो दो दर्जन बार दौरा ना किया हो। और पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं होती थी, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई नहीं आता, तो उत्तर प्रदेश में पहले आपने देखा होगा गरीबों के घर नहीं बनते थे, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, उत्तर प्रदेश में बहनें स्कूल जाने से डरती थी, उत्तर प्रदेश में किसानों का ख्याल नहीं होता था, उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं बनती थी, उत्तर प्रदेश में माफिया राज का पूरी तरह अंत करने का काम योगी जी ने किया वो भी नहीं होता था। तो उत्तर प्रदेश में तो सारा वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, तो जब सारा ही वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब ये बात तो वो लोग कहते हैं जिन्हें सत्ता में कुर्सी मिली और कुर्सी मिलने के बाद वो इंग्लैंड की यात्रा पर चले गए, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर चले गए, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया, लेकिन वो चिंता सेफई की करते रहे, चिंता एक जाति की करते रहे, वो विदेशों में छुट्टियां मनाते रहे, सैर सपाटे करते रहे। आदरणीय योगी जी ने तपस्या की है, मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी ने तपस्या की है देश के लिए और रात दिन 18 से 19 घंटे काम करने का काम किया है। आप देखिए क्या परसेप्शन था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का छात्र यदि बेंगलोर में या अन्य किसी राज्य में जाकर के किसी महानगर में जाके भी कमरा भी किराए पर लेने की बात करता था तो लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश से आया है। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है, आज उत्तर प्रदेश से जाने वाले व्यक्ति को लोग बोलते हैं अच्छा आप उस प्रदेश के हो ना जाए योगी जी मुख्यमंत्री हैं। आज योगी जी को लेकर के जितना उत्साह है, जिस प्रकार का परसेप्शन, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश को साथ लेकर के आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो परसेप्शन यूपी का बदला है, आप देखिए सड़क बिजली पानी, उत्तर प्रदेश में बिजली 6 घंटे आती थी,
आज उत्तर प्रदेश में दूर सुदूर खेत किसान में भी झोपड़ी में भी रात के 2 बजे भी बल्ब जलता आपको दिखाई देगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने ये जो तमाम चीजें बताई सुरेश जी वाकई में बड़े जी काबिले तारीफ है और विकास भी दिख रहा है, जनता काफी तारीफ भी करती है। लेकिन लगातार विपक्ष का एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि विकास और महंगाई को लेकर, चूंकि विकास और महंगाई को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर कई सारी चीजें सामने आती है, इसको लेकर भी आपसे जवाब लेंगे। नहीं, जो सबसे बड़ा सवाल जनता का खड़ा है उस पर विपक्ष को चिंता करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारें दंगा कराती थी, समाजवादी पार्टी सरकार में 5 वर्षों में 400 दंगे हुए, हजारों निर्दोष किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम हुए, मुजफ्फरनगर जला दिया गया, सहारनपुर जला दिया गया, कैराना से पलायन हुआ, कांधला से लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए, व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, रंगदारी मांगी जाती थी, जो रंगदारी नहीं देता था कार्बाइन की तड़तड़ाहट दिन के 12 बजे गूंजती थी, और तमाम प्रकार के माफिया यहाँ समाजवादी पार्टी के संरक्षण में सक्रिय थे। किसान खेत में नहीं जा सकता था, बहनें स्कूल नहीं जा सकती थी, छात्राओं ने बोर्ड लगा दिए थे, हम कॉलेज जाते हैं तो असुरक्षित हम महसूस करते हैं, कोई ना किसी चौराहे पर कोई ना कोई छेड़खानी करने वाला खड़ा है, और छेड़खानी को लेकर के यदि भाई रोकता था तो भाइयों की हत्या कर दी जाती थी। सचिन गौरव की हत्या केवल इसी बात के लिए की गई कि उन्होंने छेड़छाड़ को रोकने का काम किया, और हत्या की गई, अपराधी पकड़े गए, और अपराधियों को छुड़ाने का काम सरकार में बैठे मंत्रियों के द्वारा हुआ। सरकार में बैठे मंत्रियों ने दंगाइयों का प्रशिक्षण करने का काम किया, उन्हें पूरी तरह आश्रय देने का काम किया, और सरकारी विमान में दंगा कराने वाले लोगों को उस समय के मुख्यमंत्री के आवास में ले जा करके बिरयानी खिलाई जाती थी, सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठ करके जाते थे, और तमाम दुकानें जला दी गई थी। क्या आतंक का माहौल था, भय का माहौल था। आज सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बोल रहा है कि हम आराम से जी रहे हैं, हमारे जीवन का तरीका बदल गया है, हम सड़क पर भी यदि खड़े होकर रात के 2 बजे भी खड़े हो जाते हैं कोई हमें छेड़ने वाला नहीं है, आज बहनें स्कूटी लेकर के रात के 2 बजे रेस्टोरेंट में जा सकती हैं, आज फंक्शन से वापस घर आ सकती है। ये रामराज की कल्पना जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने की थी, कांग्रेस की तरफ कल्पना को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से कई सारी चीजें कही जा रही है, मैं वो सवाल भी लूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उनके साथ अन्य विधायकों ने दिया, और अभी भी यही कयास लगाया जा रहा है कि और भी विधायक है इसी कड़ी में जो इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये एक बड़ा झटका साबित नहीं हो सकता है क्या? ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी के लिए एक बड़ा घाटा हो सकता है? उस सारे विषय को पूरा केंद्रीय नेतृत्व उसको देख रहा है, उस पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विचार के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हम एमएलए बने, हम एमपी बने, या हमारी सरकार बन जाए, इस मन को लेकर के हम सरकार बनाने का काम नहीं करते, हम देश बनाने के काम करते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत अलग हो सकता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय मत सामूहिक है, और मैं कह सकता हूं हमारा मत यही है, नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं देश प्रथम है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, आप मुझे किसी भी दल का नाम बताइए जिस दल ने कहा हो, आदरणीय जेपी नड्डा जी क्या बोलते हैं, सेवा ही संगठन है, कौन दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसा है जो सेवा ही संगठन की बात करता है? भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता यदि अपने भाषण की शुरुआत करता है, कार्यक्रम की शुरुआत करता है, तो भारत माता की जय के नारे के साथ करता है। इस देश में ऐसे भी लोग राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खासकर दल ऐसे हैं जो भारत माता की जय बोलने से भी परहेज करते हैं, वंदे मातरम बोलने से परहेज करते हैं, आगरा में सपा का धरना होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है तो आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश समाजवादी पार्टी सरकार उनसे मुकदमे वापस करने की सिफारिश करती है। आतिक और मुख्तार की जो अवैध संपत्ति है, जो उन्होंने लोगों को लूट करके बनाई है, जो उन्होंने गरीबों के घर तोड़ करके बनाई है, जब उस पर योगी जी का बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। कोई कहता है लड़की हूं लड़ रही हूं, अरे जहां लड़ना चाहिए वहां कभी कांग्रेस लड़ी है, और अब लड़कियों के लिए लड़ने की जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं है, यहां बहनों का सम्मान सुरक्षित है, यहां बहनों का सम्मान पूरी तरह सुरक्षित है, यहां कन्या सुमंगला योजना चल रही है, यहां पूरी तरह छात्राएं स्कूल जा रही हैं, लैपटॉप मिल रहा है, टैबलेट मिल रहा है, स्मार्टफोन मिल रहा है, बहनें मुस्कुरा रही हैं। कैराना में मुख्यमंत्री जाते हैं तो 11 साल की बेटी से पूछते हैं, जो परिवार प्लान करता है वो योगी की कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर के वापस आता है, योगी जी बेटी से पूछते हैं 11 साल की कि अब तो डर नहीं लगता, तो 11 साल की बेटी बोलती है योगी है तो डर कैसा,
ये विश्वास है बहनों का। बिल्कुल विश्वास तो जाहिर सी बात है जगाया ही है सुरेश जी। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप योगी सरकार में गन्ना मंत्री हैं, किसानों के लिए हम खास जब बात करते हैं तो हाल ही में बड़ी नाराजगी दूर की गई है क्योंकि किसान कानून को लेकर एक बड़ी जो नाराजगी थी उसे भी दूर कर दिया गया। अब क्या खास, चूंकि आप गन्ना मंत्री है तो जाहिर सी बात है किसानों के लिए विशेष योजना विशेष सोच भी रहे होंगे, गन्ना क्रय या विक्रय को लेकर भी कई सारी चीजें आती है सामने, इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ है? कोमल जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान केवल चुनाव के लिए एजेंडे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मूल में किसान है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की भी चिंता करती है। इसलिए यदि आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करोगे, जब 2013 में आप यदि 2013 की एमएसपी का अध्ययन करोगे, 1250 रुपए गेहूं की एमएसपी थी 2012-13 में। आज 2000 करोड़ कराने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। आज खाद के बंद कारखाने चलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज यूरिया को निम कोटेड करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज आपने देखा हुआ 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और योगी आदित्यनाथ जी ने पहली कैबिनेट में, चुनाव के लिए नहीं, हमने पहली कैबिनेट जब सरकार बनी, पहली कैबिनेट में 36,000 करोड़ रुपए से ऋण ज्यादा ऋण माफी करने का काम किया। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को किसान सम्मान निधि के साथ उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया है। अभी अभी एक शानदार फैसला योगी जी ने किया है, जो खेती के बिल है, किसान के बिल है, उन्हें भी आधा करने का काम किया। चाहे किसान के बिल हो, घरेलू बिजली हो, उस पर भी छूट देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और हर वर्ग की चिंता करते हैं। 65 साल में यहाँ वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 300 रुपए थी, उसे बढ़ा करके 1,000 रुपए करने का काम किया। 65 साल में 300 रुपया और 4.5 साल में 1,000 रुपया उसे बढ़ाने का काम किया तो किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने किया। किसान हमारे एजेंडे में है। आप गन्ने की बात कर रहे हैं तो मैं गन्ने की बात आपको बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी सरकार ने 11 चीनी मिलों को बंद किया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 19 चीनी मिलों को बंद किया, 21 चीनी मिलों को बेच दिया। 30 चीनी मिलें बंद करने का काम सपा बसपा ने 10 साल में किया। मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि योगी जी ने 5 साल में जहां 5 नई मिलें लगाई, वहीं 20 से ज्यादा मिलों की क्षमता बढ़ाने का काम किया। हमने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित करते हुए रमाड़ा में नई मिल लगा दी, मोहिद्दीनपुर को बढ़ा दिया, दया सुगर 10 साल से बंद थी उसे चला दिया, विनय सुगर 10 साल से बंद थी उसे चला दिया, वेव सुगर बुलंदशहर की 5 साल से बंद थी उसे चला दिया, पूर्वांचल में पिपराइच लगाई, पूर्वांचल में मुनेरवा लगाई। लगातार हमने किसानों के हित के फैसले लेने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिलें चल रही हैं। और जहां तक गन्ना भुगतान की बात भी कभी कभी आप सुनती होंगी, विपक्षी नेता घड़ियाली आंसू बहाते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार ने 5 वर्षों में 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया और योगी सरकार ने 5 सालों में अब तक 1,55,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया। तो 95,000 करोड़ और 1,55,000 करोड़, मैं योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के हित में जो फैसले किए हैं, अभी गन्ने के क्षेत्र में एक फैसला हमने कानून बनाया है, मैं योगी जी का करोड़ों गन्ना किसानों के वाकई में किसानों का भला हुआ है, ये आपकी बातों से जाहिर भी हो रहा है सुरेश जी। मेरा अगला सवाल जी बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बता रहा हूँ जी कोमल जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात जी, बोले, बोले। और ये आजाद भारत का किसानों के हित में एक बड़ा फैसला है। उन्होंने गन्ना किसानों के हित में फैसला किया है, कानून बनाया है, यदि कोई सुगर मिल कोताही करती है भुगतान में तो उसकी जो सिस्टर कंसर्न है उसका बिजली का पैसा, उसका आबकारी का पैसा, यदि कोई भी पैसा उसका सरकार के पास होगा तो सरकार गन्ना किसानों के भुगतान के लिए उसे भी जब्त कर सकती है। और उसी क्रम में हमने बजाज हिंदुस्तान का भुगतान सुनिश्चित करने का काम कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ये किसानों के हित के फैसले हैं, हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है। अब बहुत सारे किसान नेता बाहर आएंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, इन्हें पता नहीं यूपीए सरकार में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, समाजवादी पार्टी ने 2200 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का ब्याज मिलों पर माफ कर दिया, और बसपा के बारे में तो देख ही रहे हैं, 21 चीनी मिलें कोड़ियों के दाम बेच दी, 1,000 की मिल को 25 करोड़ रुपए में बेचने का काम, 1,000 करोड़ की मिल को बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। यदि पारदर्शिता से शासन किसी ने चलाया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया है। और मैं कह सकता हूँ इसीलिए वो बड़े बड़े गठबंधन कर रहे हैं, 19 में षड्यंत्र किया मोदी जी को रोकना है, किसी भी तरह मोदी को रोकना है, सपा ने बसपा ने जो कभी आपस में बात भी नहीं करते गठबंधन कर लिया, साथ में आरएनडी को भी जोड़ दिया,
तीनों दलों ने मिलाकर के मोदी को रोकने का जो एक साजिश की, लेकिन मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा आप कितना भी बड़ा गठबंधन कर लो, हमारा गठबंधन सीधा मोदी के साथ है और पहले से भी बड़े बहुमत के साथ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब षड्यंत्र चल रहा है, योगी जी को रोकना है, गठबंधन करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, योगी जी को रोकना है। योगी जी रहेंगे तो अगले 5 साल में इतना विकास कर देंगे किसी का नंबर आने वाला नहीं है, इसलिए रातों बैठक करते हैं, रातों मीटिंग करते हैं, कभी दिल्ली करते हैं, कभी मुंबई करते हैं, कभी विदेश। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जनता के विकास के लिए हर कदम आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है और इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। सुरेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। हाल ही में उनका कुछ बयान भी सामने आया था जिसका आपने एक कड़क जवाब दिया था, और उनका एक ही बयान नहीं, कई ऐसे बयान रह चुके। अभी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई सारी चीजें वो कहते ही रहते हैं कि जिस तरह से योगी सरकार को लेकर वो कहते हैं कि पोल खोल हो रही है, विकास को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो जनता के सामने आ रहे हैं। अब उनके इन बयानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे जनतंत्र टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ओबीसी को अपनी भाषा पर नियंत्रण करना चाहिए, और ये उत्तर प्रदेश है, उन्हें मालूम नहीं है कि यहाँ कोई कार का शीशा भी तोड़ता है तो प्रॉपर्टी उसी की जब्त की जाती है और उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके पैसा योगी जी जो है वापस कराते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ समझना चाहिए ओवैसी को। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं बार बार उन्हें सलाह दे रहा हूँ, यदि दिमाग में कोई परेशानी है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में शामली में बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत कम पैसे में दिमाग ठीक करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो मुजफ्फरनगर से डॉक्टर भेज देंगे, उसमें कौन सी बात है। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस लगातार कई दावे कर रही है, 40% सीट देने का वादा भी किया है और छात्राओं को लुभाने के लिए भी कई सारे वादे किए हैं। अभी हाल ही में शक्ति विधान करके उनका घोषणा पत्र भी सामने आया महिलाओं को खास लेकर, और यही कहा जा रहा कि योगी सरकार में जो नहीं हुआ वो कांग्रेस करके दिखाएगी। हालांकि खोई हुई जमीन तलाशने की हर मुमकिन कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इन सब का कितना फायदा हो सकता है आपका अंदाजा क्या कहता है? आप छोड़िए, महिलाओं के लिए वो क्या सोच रहे हैं वो अलग बात है, वो अपनी सारी विधानसभाओं पर कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे, उनको वो परेशान हैं किस तरह से कैंडिडेट मिल जाए, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना उनका महिलाओं से मतलब है, ना उनका किसानों से मतलब है, ना उनका युवाओं से मतलब है। पहले दो नौजवानों ने दोस्ती की, कहा अखिलेश और राहुल की दोस्ती हुई है उत्तर प्रदेश बदलेगा, नारा दिया 29 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, अब उन्होंने देखा नहीं कि उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, कभी कभी टूरिज्म पर आते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है, कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई इटली घूम रहा है, और ये बड़े बड़े घरों में पैदा हुए लोग, इनको क्या मालूम कोई इटली में पैदा हो उसे क्या पता गांव की समस्या क्या है, कोई बड़े बड़े कालीनों पर पैदा हो उन्हें क्या पता गरीब की आवश्यकता क्या है। और किस तरह से देश ने इतने लंबे समय तक उन लोगों को मौका दिया, वो लाल किले से भाषण देते रहे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, उन्होंने गरीबी जरूर हटाई लेकिन अपनी गरीबी हटाई, अपने महल बनाने का काम किया, अपनी संपत्ति अर्जित करने का काम किया और देश को एक ऐसी विचारधारा पर ले जाने का काम किया कि उनके गृह मंत्री ओसामा बिन लादेन के सामने जी लगाने का काम करते थे। और वहां जब आपको याद होगा बटाला हाउस जब मुठभेड़ हुई और एक जाबाज हमारा इंस्पेक्टर शहीद हुआ मोहनचंद शर्मा, और उन्होंने जाबाज अपनी हथेली जान हथेली पर लेकर के सीधे आतंकवादियों के सामने मुकाबला किया, कांग्रेस कहती थी मुठभेड़ झूठी है, ये मुठभेड़ है ही नहीं, अब हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो आतंकी थे तो अब डूब के मर जाए। और लेकिन कारण क्या है कि बेशरम लोग हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, उनके आतंकवादियों के सामने जी लगाने का काम करते हैं, और वो तो रायबरेली में अमेठी में, रायबरेली और अमेठी में नहीं, जो लोग अपनी जमीन बचा पाए उनके बारे में क्या टिप्पणी मैं करूं। सुरेश जी, बसपा को लेकर जब बात करते हैं तो जहां जिला पंचायत के चुनाव जब हुए थे तो उस वक्त बसपा ने अपने पैर खींचे पीछे ताकि हम विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके, और अब जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अलग अलग तरीके से बैठकें की जाती है, अलग अलग तरीके से रैलियां निकाली जाती रही है, अब फिलहाल सिलसिला थमा तो है लेकिन यही कहा जा रहा है कि सरकार बदलेगी, बसपा की तरफ से एक अलग कॉन्फिडेंस सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं केवल इतना कहूंगा कि बसपा भी, ये तमाम दल जातिवाद की राजनीति में विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं, देश को बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बसपा हो सपा हो
आरएलडी हो कांग्रेस हो, सबको ये अच्छी तरह से मालूम हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी पहले से भी बड़े बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए आप इनके चेहरे गौर से देखिए, यदि इनके चेहरे आप गौर से देखोगे तो इनके चेहरों से आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में परिणाम क्या आने वाला है। अब जब ये इंटरव्यू में जाते हैं एंकर कुछ पूछती है, जवाब कुछ देते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं आपको एक गांव की घटना बताता हूं कोमल। जब मैं छोटा था तो हम कभी कभी साइकिल चलाते थे तो कई बार पैडल मारते रहते थे, चैन घूमती रहती थी, तो हमें पता नहीं था कि साइकिल चल नहीं रही है, पैडल घूम रहा है, तो हम पूछते थे क्या हुआ, तो बराबर में मैच्योर व्यक्ति जवाब देता था इसके कुत्ते फ्री हो गए हैं। पश्चिम की भाषा में बोलते थे इसके कुत्ते फ्री हो गए हैं, मतलब उसका जो सॉकेट होता है वो पूरा फ्री हो गया है। तो मोदी योगी ने इनके कुत्ते फ्री कर दिए इनके दिमाग के, और ये पूरा सॉकेट घूम रहा है इनका, ये चल नहीं रहे हैं, इन्हें पता है क्या होने वाला है। क्योंकि ये मोदी जी की मेहनत के मुकाबला नहीं कर सकते, ये मोदी जी के विकास का मुकाबला नहीं कर सकते, ये योगी जी की मेहनत का मुकाबला नहीं कर सकते, योगी जी के विकास का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके पास तोड़ने के अलावा नारा नहीं है, हमारे पास जोड़ने का नारा है, इनके पास विध्वंस है, हमारे पास विकास है, इनके पास दंगा है, हमारे पास गुड़ की मिठास है। तो कुल मिलाकर के इनके पास सिवाय तोड़ने के, विघटन की राजनीति के कोई नारा नहीं है। उत्तर प्रदेश की माननीय जनता पूरी तरह समझ गई है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ सीधा गठबंधन किया है, और सीधा गठबंधन इस बात का किया है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें देखी है, पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने ऐसे बिजली घर देखे हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज गांव में बनते देखे हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2 बजे स्कूटी पर चलती अपनी बहनों को देखा है, पहली बार ऐसी शानदार कानून व्यवस्था, व्यापारी का मुस्कुराना देखा है, किसान का रात को 2 बजे भी खेत में से आना देखा है। तो कुल मिलाकर के आज उत्तर प्रदेश में खुशहाली है, नौजवान के चेहरों पर लाली है, और उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, बहनों का सम्मान, सब एक ही आवाज लगा रहे हैं कि फिर एक बार पहले से भी बड़े बहुमत के साथ योगी सरकार। चलिए, जब योगी सरकार की बात ही कर लिए तो अब हम एक रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि विकास को लेकर हमेशा योगी सरकार ने बात कही है। हालांकि काम भी देखा गया है, जहां विकास नहीं था वहां विकास किया है, हमेशा डेवलपमेंट देखा गया है, लेकिन अब हम उस रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं जिससे मिशन 2022 फतह करना है, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं। चाहे फिर हम ब्राह्मणों को लेकर भी कई सारे सवाल आते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी से ब्राह्मण दल नाराज सा है, ये भी कहा जाता है कि विकास को लेकर कई सारी चीजें अधूरी सी भी है। इन दोनों ही चीजों को लेकर आपसे जवाब लूंगी मैं। भारतीय जनता पार्टी के पास, और मैं तो कहूंगा देश के पास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। आज ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, जब प्रधानमंत्री आकर के यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो 125 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व के साथ चौड़ा हो जाता है। आज जब लोग काशी में देखते हैं और जिस प्रकार भगवान महादेव के मंदिर को देखते हैं तो लोगों की आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आज अयोध्या का जब लोग विकास देख रहे हैं, आज जिस तरह से लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हुए देखते हैं कि नगर निगम का दर्जा देकर के विकास की झड़ी लगा दी तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आज जब लोग अयोध्या में दीपोत्सव देखते हैं तो लोगों को नई राजनीति, हिंदुस्तान की नई राजनीति का उदय दिखाई देता है, जो धर्म के साथ जुड़ी हुई राजनीति है, जो कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीवित करने वाली राजनीति है। तो इसलिए हमारा नेतृत्व शानदार है, हमारे प्रधानमंत्री जी शानदार है, उनका भारी परसेप्शन जनता के बीच में है, बेहद लगाव जनता को उनसे है, और बच्चा बच्चा मोदी मोदी चिल्लाता है। आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बहुत शानदार रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बनाई है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय संगठन के महामंत्री जी, हमारे तमाम लोग, और मैं कह सकता हूँ योगी जी तो ऐसा चेहरा है कि गांव, गली, गलियारा, कहीं आप चर्चा करो योगी 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 यही नारा गूंज रहा है। मोदी योगी दोनों नारे ऐसे शानदार है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा, ये गांव गांव का बच्चा बच्चा बोल रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इतने बड़े चेहरे हैं, इतने शानदार चेहरे हैं, बूथ अध्यक्ष तक लेकर के हमारी कमेटी है, संगठन के लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के, देश प्रथम है, परम भवन ने तुम्हें तस्व राष्ट्रम, इस देश को परम वैभव पर ले जाना है, इस कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राण प्रण के साथ जुड़ा हुआ है। उनके एजेंडे में देश है, उनके एजेंडे में व्यक्ति नहीं है, उनके एजेंडे में स्वार्थ नहीं है, उनके एजेंडे में ठेका पट्टा नहीं है, उनके एजेंडे में अपना घर बनाना नहीं है, उनके एजेंडे में देश बनाना है, उनके एजेंडे में प्रदेश बनाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चट्टान के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हुआ मजबूती के साथ,
मोदी योगी जैसा नेतृत्व तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के सभी साथियों के द्वारा बूथ बूथ तक का प्रयास बूथ बूथ तक का प्रवास हमारे सारे गांव-गांव में फैले कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज समर्पित कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज देवतुल्य कार्यकर्ताओं की फौज ये इतने बड़े कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश देश की नहीं ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के सबसे ज्यादा सांसद भाजपा के सबसे ज्यादा मंत्री भाजपा के सबसे ज्यादा सरकारें भारतीय जनता पार्टी की ये किसके कारण है ये देव तुल्य कार्यकर्ताओं के कारण है जिन्होंने परिश्रम किया है जिन्होंने अपने घर को भी एक साइड करके और देश को घर माना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है ऐसे कार्यकर्ताओं के कारण उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराने वाली है। चलिए बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे गन्ना मंत्री सुरेश राणा जिन्होंने अपनी रणनीति के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से आगे योगी सरकार बढ़ रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।